YouTube चैनल तो फ्रेंड्स स्वागत है एक और नई भर्ती अपडेट के बारे में। जी हाँ, ग्रामीण उद्यमिता विकास निगम प्रखंड स्तर पर विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में ये भर्ती निकली हुई है। इसको भरना है या नहीं भरना है, क्या करना है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। ठीक है, ऐसी तमाम भर्तियां हम आप तक पहुंचाते रहते हैं जो इस तरह की निकलती हैं, ताकि आप जागरूक रहें। ठीक है, सोचें समझें तब आवेदन करें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो है इसको भर लेते हैं, जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं करीब 13,155 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। पद का नाम जिला समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, किसान मित्र, पशु परिचर, और ये आप देख सकते हैं कुल पद इतने हैं, वेतन इतने हैं, ग्रेजुएशन 12वीं 10वीं 8वीं पास है, बाकी एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को सभी को मिलेगा। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, बाकी ये ईमेल आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। GUBNIGAM.ORG ये मैंने टाइप किया गूगल पे, GUBNIGAM.ORG। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, ये इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुलती है। तो मैं आपको इसको दूर से एक दिखा देता हूँ, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की फ़ोटो लगी है। बाकी इसमें अलग अलग मेन्यू हैं, आप देख सकते हैं। ये अबाउट अस, ये अबाउट अस में जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रोग्राम क्या ये चलाती है, GUB NIGAM। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या क्या ये प्रोग्राम चलाती हैं, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्किल मिशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब वैकेंसी की बात यहाँ पर आते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, तो जो वैकेंसी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, वही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जॉब वाले सेक्शन में, ये देखिए। ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन जो है राज्यों में निकले हुए ग्रामीण उद्यमिता विकास निगम के डेयरी एवं पशुपालन विभाग में भर्ती। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट होगा। इसी तरह की हमने कई भर्तियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, और लोगों को जागरूक करें। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हैं, SC ST OBC, बाकी पोस्ट रिजर्वेशन सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं 12 जून से चालू है, 10 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगस्त के पहले सप्ताह में होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुल्क 435 है फॉर द जनरल एंड OBC, SC ST PH बाकी आप देख सकते हैं 345 है। बाकी ये है पोस्ट का नाम, आप देख सकते हैं किसान मित्र, उसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी वगैरह, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन कब तक है और एज क्या है, आप देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है आप इसको देख सकते हैं। उत्तराखंड में आप देख सकते हैं जिला समीक्षा अधिकारी, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड में भी है, बाकी आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए देखिए ठीक ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड में सहायक समीक्षा अधिकारी की भी है, पशु परिचर की भी है। ठीक है, और किसान मित्र के, तो एक लोवेस्ट जो वैकेंसी है पशु जो परिचर है उसके हम इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद वही सेम प्रोसेस है सब में। ठीक है, अभी यहाँ पर अप्लाई नाउ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये डिजिटल लर्निंग है, अप्लाई प्रोसेस है, जॉब ब्लॉग कॉन्टैक्टर्स, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर करते हैं क्लिक। ठीक है, जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, ये पूरी डिटेल आती है, ये आपको स्कैन करना होगा तभी आप इसमें फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास दूसरा हैंडसेट नहीं अवेलेबल है, अगर होता तो मैं आपको ये स्कैन करके दिखा देता, बाकी आप स्कैन करिएगा, सावधान रहिएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बाकी फर्स्ट नेम, फादर नेम, ये सब कुछ डिटेल आपको भरनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट इनको जो है चाहिए होती है सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेमेंट डिटेल, ट्रांजेक्शन ID डालनी है, पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है वो डालना है, अपना अपलोड, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, सब कुछ यहाँ पर जो है करना, बाकी सबमिट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉगिन नाउ भी दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो
तो यहाँ पर आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह सब डाल के इसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्लाई प्रोसेस है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट ऑन 4th मार्च। आई थिंक ये जो इससे पहले की इनकी कुछ रहा होगा तब है। और यहाँ पे हम ब्लॉग कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एड्रेस दिया हुआ है आपका न्यू दिल्ली जानकीपुरी का जनकपुरी दिया हुआ है। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने इस पर कॉल करने की कोशिश की बट ये कॉन्टैक्ट लगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा था। ये वैकेंसी मेरे को 2-3 बार फ्लैश हुई मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में ये भर्ती निकली, 2-3 बार निकली, और कई लोगों के कमेंट भी मुझे आ रहे थे कि इसके ऊपर ये वीडियो बनाइए, तो मुझे बनाना पड़ा। बाकी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप देख सकते हैं बाकी नीचे सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या है। बाकी अबाउट टेस्ट प्रोग्राम, वैकेंसी, डिजिटल लर्निंग, रिफंड पॉलिसी क्या है देखते हैं। रिफंड पॉलिसी में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, उस रिफंड पॉलिसी में है, एक सेकेंड, यहाँ रिफंड पॉलिसी पॉलिसी पे लिखा हुआ है, तमाम लंबा चौड़ा यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये आई थिंक प्रतिभा मैम टू दिस रिफंड पॉलिसी आउटलाइन, तमाम पता नहीं क्या क्या कंडीशन लिखी हुई है इसमें। ठीक है, और कंपनी ये वो, और ये कंपनी का एड्रेस है, कंपनी का लिए आप इसे फिर एनजीओ जो भी आप इसको कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर इस पर एक बार आप कॉल करिएगा। ठीक है, ये है और ये चीज़ है। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अभी इस सब को करने के बाद मैं अचानक अपने टेलीग्राम पे आ रहा था, तो टेलीग्राम पे मैंने एक चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, PIB फैक्ट चेक, जो कि आपको पता है भारत सरकार की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल आप इसको ट्विटर हैंडल भी, अभी हम इनके ट्विटर हैंडल पे भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका गवर्नमेंट की है, जो कि तमाम जो फेक चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ये फैक्ट चेक कराते। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही नीचे आ रहा था, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दी, कुछ समझ में आ रहा? देखिए, ये वही वेबसाइट है, वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, दिस वेबसाइट फलाना ढिमाका। ठीक है, ये वेबसाइट आपने वहाँ देखी होगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़। ये देखिए, ये मैं आपको होम पे लेके गया, ये अभी ये होम पे, ये देखिए, कुछ बात समझ में आ रही है मेरी आपकी? देखिए, ठीक है, अभी मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे लेके दिखाता हूँ, ये देखिए टेलीग्राम पे। ठीक है, तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। यहाँ पे नीचे PIB ने चीज़ लिखी भी हुई है कि ये वेबसाइट एलिडली एफिलिटेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्लेम्स टू ऑफर गवर्नमेंट जॉब्स एंड सीक RS-435 एज अ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, #PIBCheck। दिस वेबसाइट इज नॉट एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री एम्पावरमेंट की जो है ये है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए ये खुल गया है, ये देखिए ये, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, और इस तरह की चीज़ें जो हैं लगातार आती रहती हैं। मुझे तो थोड़ा सा इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ऐसा कुछ करके एक भर्ती आई थी आज से 2-3 पहले, बहुत उस पर हल्ला हुआ था, काफ़ी अभ्यर्थियों ने भी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो उस पर भी तमाम अभ्यर्थियों ने वो फॉर्म भरे थे, बाद में काफ़ी इशू हुए उसके ऊपर भी, बाद में पता चला कि वो भी ऐसी वेबसाइट है, तमाम चीज़ें हैं। तो आप भी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि हम लगातार इस तरह की जो भर्तियां हैं
आती रहती हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं ताकि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।